मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो अभी सुबह हो गई है, चाय वगैरह सब ने पी ली है और यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट। तो ये है कटहल। तो आज मैं बनाने वाली हूँ कटहल की पकौड़ी, क्योंकि आजकल कटहल का सीज़न है। तो मैंने कहा चलो आप लोग साथ एक रेसिपी भी शेयर कर दूँगी और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है तो वो खा भी लेंगे। तो ये छोटी वाली कटहली थी, आपको दिख रहा होगा, बहुत छोटे छोटे पीसेस भी कट किए मैंने। उसे क्या किया था मैंने, पानी से धो के बॉयल कर लिया, 3-4 सीटी लगा ली, लेकिन ये अच्छे से गलती नहीं है क्योंकि कटहली बहुत छोटी थी इस वजह से। तो मैंने इसको ऐसे हाथ से जितना मुझसे ये टूट पाया ऐसे क्रश जैसा कर लिया है। इसके बाद मैंने लहसुन लिया था, लहसुन अदरक को क्रश कर लिया है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ बेसन, तो लगभग 1.5 कप के अराउंड मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। इसके बाद यहाँ पर अदरक लहसुन मैंने जो कूटा था, ये 2 बड़े चम्मच होंगे, वो भी मैं इसमें ऐड कर दे रही हूँ। और कोई भी आप पकौड़ी बनाइए ना, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दीजिए तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और बस इसमें अभी मैं हल्दी ऐड कर दूँगी और थोड़ा थोड़ा सा मैंने इसमें धनिया पाउडर, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला था, बहुत एक चुटकी, बहुत थोड़ा सा, और भुना जीरा पाउडर ज़रूर डालिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, वो भी ऐड कर दिया। इसके बाद थोड़ा सा मैंने खड़ा जीरा ऐड कर दिया है और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और नमक भी ऐड कर दिया था और थोड़ी सी हींग भी डाली थी, उसमें पानी नहीं डालना है, सूखा सूखा इसे मिक्स कर लेना है। और इसके बाद बस जैसे पकौड़ी बनती है, छोटी छोटी पकौड़ी इस तरह से बना लेनी है, तो बहुत अच्छा लगता है, बना के देखना, बहुत क्रिस्पी भी बनते हैं। अच्छा, जब कटहल बड़े होते हैं ना, उन्हें आप बॉयल करो तो अच्छे से मैश हो जाते हैं। अभी ये क्या था कि अभी छोटी वाली कटहली इसलिए अच्छे से मैश नहीं हुई थी, तो बहुत अच्छा बना था, सबको बहुत पसंद आया था, बहुत क्रिस्पी भी बना था। क्योंकि ऐसे अगर आप पानी नहीं डालो ना और ऐसे सूखा सूखा उसका जो पेस्ट होता है वो बनाओ, तो वो बहुत अच्छा, मतलब पकौड़ी बहुत अच्छी बनती है। तो बस जैसे पकौड़ी नॉर्मल बनती है उस तरह से हम पकौड़ी छान लेंगे। और मेरे क्रिस्टिप को भी बहुत पसंद आई थी ये वाली पकौड़ी, अभी देखिए वो कैसे खाएगा। मैं उसे हर चीज़ देती हूँ खाने के लिए तो वो खा भी लेता है। तो ये मैंने सादी पकौड़ी बना ली थी बिना लाल मिर्च के, ये मैं क्रिस्टिप को दूँगी, तो बाकी ये लाल मिर्च वाली है ये मैं सबको दूँगी। तो सुबह सुबह थोड़ा सा हैक्टिक होता है, अभी सब लोग कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग हैं घर में, तो चलिए फिर मैं सबको पहले ब्रेकफास्ट दे दूँ। तो अभी यहाँ पर मैं कृषभ के लिए लेके जा रही हूँ पकौड़ी, उसे दूंगी मैं खाने के लिए। तो वो सबको देखता है ना तो वो भी खाता है, इसलिए मैं सबके साथ जब सबको कुछ खाने के लिए देती हूँ तो उसको भी दे देती हूँ ताकि वो भी सीखे खाना। तो ये देखिए पहले वो हाथ से छू के देखता है कि गर्म तो नहीं है, बच्चे के पास कितना दिमाग होता है ना। उसके बाद ये देखिए पकौड़ी उठाई इसने, अब ये खा रहा है। गुड इवनिंग गाइस, अभी बज रहे हैं शाम के 8:30 और हम लोग जा रहे हैं मार्केट। खाना वाना बना दिया है मैंने और अभी हम लोग जा रहे हैं, एक्चुअली कृषि के लिए थोड़े कपड़े लेने थे गर्मी वाले, तो वही लेने जा रहे हैं क्योंकि बच्चों का तो मतलब हर मौसम में कपड़ा लेना ही पड़ता है क्योंकि वो बढ़ते जाते हैं, तो पिछले साल का कपड़ा तो होगा नहीं, तो बस वही लेने के लिए हम लोग जा रहे हैं, मैं, मम्मी जी, ये और कृषि। तो बस ये देखिए कृषि को, उनको खुली सड़क मिली। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, बहुत दिनों से जाना था यार, रोज सोचती थी आज जाऊंगी आज जाऊंगी आज जाऊंगी, लेकिन घर में सब लोग आ गए थे तो फिर खाना वाने में भी इतना टाइम ही नहीं मिलता था। तो फाइनली आज हम लोग जा रहे हैं कृषि के, कुछ कपड़े वपड़े लेने हैं गर्मी वाले, तो बस इसीलिए जा रहे हैं। उसकी सैंडल वगैरह लेनी है क्योंकि सारी छोटी हो गई। ये देखिए इनको मतलब ज्यादा जगह मिली ना, कैसे दौड़ दौड़ के आ रहा है, ये देखिए कितना इंजॉय कर रहा है वो सड़क पे। आ जाओ कृषि, हाँ हम जानबूझ के खोले हैं, अभी इसमें रखेंगे फोन। वो बाहर निकल के बेचारा दिन भर घर में पैक रहता है, अब निकला है सड़क पे, इतना तेज दौड़ रहा है। तो बस अभी चल रहे हैं मार्केट, खाना वाना बना दिया है, ससुर जी को खिला दिया है, अब निकल रहे हैं। तो चलिए फिर ले चलते हैं। और यहाँ पर इनको देखिए कृषभ को, कितना खुश हो रखा है लड़का हमारा, उसको बाहर चलने को मिल रहा है ना, दिन भर घर में ही रहता है बेचारा, बाहर तो जाता नहीं है, तो बड़ा अच्छा लग रहा है उसको ऐसे दौड़ने में। तो बस अभी हम लोग निकलेंगे, हमारी गाड़ी थोड़ी सी दूर खड़ी होती है, पहले भी बताया था मैंने, एक्चुअली बगल वाले जो अंकल जी हैं उनके यहाँ घर बन रहा है इस वजह से। शॉपिंग करने आए हैं, कहाँ जा रहे हो बाबू? शॉपिंग करने? नहीं 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 भाई, आगे नहीं आना, आप तो बतल लो मानते हैं सारी कुछ 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 कुछ। कहाँ जा रहे हो लल्ली? बैन गाना चिना दो, चिना दो।
ये देखिए ये इनका ये इनकी यही जगह है, यही खड़े हो जाते हैं ये आके, इनको बड़ा मजा आता है यहाँ पे। तो बस अब हम लोग आ गए हैं, थोड़ा ट्रैफिक सिग्नल ये सब था, देखते हैं कितनी देर शॉपिंग कर पाते हैं क्योंकि ऑलरेडी 9:30 बज गया है और 10 बजे यहाँ की मार्केट बंद हो जाती है। तो देखते हैं अब क्या होटल खुलने का टाइम है कोलकाता में, तो 1:30-2 बजे तक पूरा एकदम ऐसा लगता है कि पूरा। हम लोग मैक्स आ गए हैं, तो अभी यहाँ से लेने हैं कपड़े कृषिव के, बस उसी के लेने हैं समर वाले। ये देखिए कृषिव उतर रहे हैं अभी डैडा के साथ अपने, और आज है बुधवार वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को हमारे यहाँ की मार्केट जो है वो बंद, मोस्टली दुकानें बंद रहती हैं मतलब आज, इसलिए देखिए भीड़ भाड़ बहुत कम है क्योंकि आज बुधवार है, तो इसलिए हम लोग इसलिए और आए हैं कि हमको मॉल में जाना है, मॉल रोज ही खुलता है, तो आज थोड़ा भीड़ भाड़ कम होगी, बच्चा लेके सही रहेगा शॉपिंग करने में। चलो करके कि बहुत जल्दी जल्दी शॉपिंग करें क्योंकि मॉल क्लोज होने वाला था, 10 बजे बंद हो जाता है। कितना टाइम, अच्छा वहाँ वो घड़ी लगी, 10:15 बज रहे हैं, घर आ गए हैं और लिए शॉपिंग हो गई है, सारी शॉपिंग किट्टू की है मतलब कृषिव की, और हम लोगों ने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया, सब कुछ कृषिव का है, उसकी सैंडल है, उसके कपड़े हैं मतलब आने जाने वाले कपड़े हैं, कुछ कुछ घर में पहनने वाले कपड़े हैं, ये सब नाइट सूट भी देख रही थी मैं, नाइट सूट नहीं मिला तो मैंने कहा चलो ऑनलाइन ऑर्डर कर लूँगी, तो उसके कपड़े ले लिए हैं। और चलिए फिर अभी हम लोग जाएंगे खाना। गुड मॉर्निंग गाइज, तो आज है नेक्स्ट डे और आज है थर्सडे, तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए फूल वगैरह तोड़ के सुबह सुबह, और कल फिर आने के बाद खाना वाना खाया, फिर वीडियो नहीं बनाया था। तो ये ना ब्लॉग पूरा 3 दिन का है, और यहाँ पे लकड़ी वगैरह आपको दिख रही होगी हमारे बरामदे में रखी है क्योंकि लकड़ी का काम चल रहा है घर में इस वजह से। और ये देखिए कृषि अभी जस्ट सो के उठा है और बाबा के पास आ गए क्योंकि मैं जा रही थी पूजा करने, तो यहाँ पर हो गई है मेरी पूजा, और ये रहे मेरे भगवान जी, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए, विष्णु भगवान सबके जीवन में खुशियाँ ले आए। और सुबह सुबह ऐसे मंदिर के दर्शन कर लो तो मन ऐसे एकदम शांत हो जाता है ना, बड़ा अच्छा सा फील होता है। तो अभी है दोपहर का टाइम, और ये देखिए कौन आया है मेरे घर, रिचा आए हैं आई है और शैलेन भैया आए हैं, तो बस यही लोग आए थे मिलने, होली मिलने भी आए थे, और ये लोग बैंगलोर जा रहे हैं तो इस वजह से हम लोग से मिलने आए थे। तो बस इतना ही ब्लॉग बनाया था मैंने, तो आज नेक्स्ट डे अगेन, और आज मम्मी जी चली गई हैं गांव, तो ये गांव से ये हरे चने लेके आए थे, तो आज मैं इसका निमोना बनाऊंगी और उसकी रेसिपी भी आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अभी मार्केट में भी इजीली मिल जाता है तो आप लेके ये रेसिपी बना सकते हो। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, तेल ले लिया है, उसमें थोड़ी सी मेथी डाल दी, मेथी दाना, और 4-5 मैंने उड़द दाल बड़ियाँ डाल दी हैं, ये हमारे यूपी में बनाते हैं घर में, मेरी मम्मी ने बना के भेजा है, वही बड़ी मैंने इसमें डाल दिया है। इसके बाद जैसे बड़ी थोड़ी सी पक गई, मैंने हरा धनिया लहसुन अदरक मिर्च का पेस्ट डाल दिया है, वो भी हम अच्छे से भून लेंगे, और जब इसमें ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब हम इसमें क्या करेंगे, पीसे हुए मसाले ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा धनिया पाउडर ऐड किया है, और थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया, हल्दी पाउडर ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इसका कलर ग्रीन ग्रीन रहेगा, निमोना है ये, और थोड़ा सा सब्ज़ी मसाला भी ऐड किया है, बहुत थोड़ा थोड़ा सा डाला है, ज़्यादा मसाला नहीं डालना है हमें। तो बस मसाले को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद जो हरा चना था उसे मैंने मिक्सी में हल्का सा दरदरा कर लिया है, मतलब हमें इसे पानी डाल के नहीं पीसना है, सूखा सूखा हल्का सा 2 बार मिक्सी चला लो बस। तो इस तरह से मैंने इसको पीस लिया है, इसके बाद हम इसे मसाले में ऐड कर देंगे चने को, और भून लेंगे अच्छे से। इसके बाद मैंने इसमें आलू भी डाल दिए हैं, जितने आपको को चाहिए उतने आलू आप डाल लो, और आलू और चने को अच्छे से हम क्या करेंगे, भूनेंगे, बस जैसे मटर का निमोना बनता है सिमिलर वैसे ही इसका भी निमोना बनता है। तो हमारे यूपी का निमोना बहुत फेमस है, आप लोगों ने सुना ही होगा, नहीं सुना है तो ट्राई करना, चाहे इस तरीके से चाहे मटर का निमोना बनाइए या इस हरे चने का, बहुत अच्छा बनता है। तो बस इसको भून के मैंने इसमें ग्रेवी लगा दी है, तो आप ग्रेवी अपने हिसाब से रखिए पतली गाढ़ी, लेकिन ये ना ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, चने का जो निमोना होता है वो बाद में बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है, तो इस वजह से आप बनाते टाइम इसको थोड़ा पतला ही रखिएगा, नहीं तो बाद में ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें पानी ऐड कर दिया मैंने अपने घर के लोगों के हिसाब से, और इसमें नमक ऐड कर दिया है, और बस हम इसे पका लेंगे।
और अभी हमारा बस ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 मिनट में हमारा यम सा निमोना बन के रेडी हो गया है। तो ये देखिए कितना लजीज बना है ना, और बहुत अच्छा बना था सच में। तो ट्राई करके ज़रूर देखना आप लोग। अभी ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। 2-3 दिन से ये व्लॉग चला रहा था, इनकी चैचा शुरू। ऐसे देखिए बिस्तर पर झाड़ू रखा है, देख रहे हैं आप क्या किया है आपने कृषि। बिस्तर पर झाड़ू रखा जाता है बेटा, जाके उसको हटाइए, इनको झाड़ू बहुत पसंद है। तो बस ये वाला ब्लॉग अब मैं यहीं पे एंड करूंगी, क्योंकि 2-3 दिन से चला आ रहा था, मेरी तबीयत थोड़ी सी बीच में खराब हो गई थी। तो ऋषभ नहीं बेटा ऐसे नहीं करते हैं, तो बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, जिस वजह से मैंने वीडियो कंटिन्यू नहीं किया था, थोड़ा थोड़ा करके शूट करती रही। तो आज भी अब मेरे चेहरे से लग रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा सा ठीक फील नहीं कर रही थी। तो मैंने कहा चलो ये वाला ब्लॉग बहुत लंबा हो गया है, 2-3 दिन का हो गया है, तो चलो मैं इसको एंड ही कर देती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, और कोशिश कर रही हूँ कि आप लोग को डेली ब्लॉग दूँ आप लोगों से मेरे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव। मेरे चैनल को यूँ अपना प्यार देते रहिए, और चैनल पर अगर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर पुराने हैं तो कमेंट करना मत भूलिएगा, और हाँ निमोना वाली रेसिपी ट्राई जरूर करना, बहुत अच्छी बनी थी। तब तो चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय कृषि से, बाय बाय बाय।